अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं शिज़ा एजाज। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दो रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब डॉक्टर महतीर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। महतीर मोहम्मद के दोबारा ओहदा संभालने के बाद किसी गैर मुल्की रहनुमा का पहला दौरा है। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। स्टील मिल्स पेंशनर्स के वाजिबात समेत चार निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सरकारी गोदाम में पड़ी गंदम बरामद करने की समरी भी जेर गौर आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नौ रोजा दौरे पर आज बरतानिया होंगे। डैमों की तामीर के लिए फंड रेजिंग की तकरीब से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार दौरे का खर्च अपनी जेब से अदा करेंगे। कराची में हवा की एक और बेटी ससुरालियों के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। आग से झुलसने वाली सलमा अस्पताल में दम तोड़ गई। अहले खाना के मुताबिक दो रोज कबल सलमा को ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। पुलिस तावुन नहीं कर रही, अहले खाना का इल्जाम। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी और पीआईबी एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, 11 से जायद अफराद जेरे हिरासत। उधर नाजमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, दो मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरू का मोटरसाइकिल भी बरामद। फ्लैगशिप नैब रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश होंगे। ख्वाजा हारिस तफ्तीशी अफसर पर जिरह जारी रखेंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान मुकम्मल ना हो सका। मजीद जवाबात जुमेरात को रिकॉर्ड करने की इस्तदा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर ट्विटर पर आमने सामने। पाकिस्तान मुखालिफ इंटरव्यू पर वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को जवाब दिया तो वो गुस्से में आ गए। इमदाद बंद करने की धमकी। ट्रंप की हरजात सराही पर इमरान खान का भी जवाबी ट्वीट, कहा कि इल्जामात पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। ट्रंप सुन लें कि अब हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के मफाद में होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को दोनों ममालिक की जरूरत करार दे दिया। कहते हैं कि अमरीका से उलझना मकसद नहीं, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करना भी जरूरी है। मिलकर आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात का भांडा फूट गया। भारत में हमलों में मुलविस अजमल कसाब भारतीय शहरी निकला। अजमल कसाब को उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया गया था। इब्तदाई तहकीकात के दौरान डोमिसाइल मंसूख किया गया। उम्मीद टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.umeedtv.in।